झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद न्यायालय ने दुमका जेल से वापस धनबाद जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। पिछले दिनों अदालत को बिना बताए पूर्व विधायक को धनबाद जेल से दुमका जेल में शिफ्ट किया गया था। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद द्वारा न्यायालय में आवेदन दिया गया था। अधिवक्ता जावेद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व विधायक को कोर्ट को बिना जानकारी दिए जेल प्रशासन द्वारा दुमका जेल शिफ्ट किया गया था। न्यायालय में दो आवेदन दिए गए थे। आवेदन में पूर्व विधायक को दुमका जेल शिफ्ट किए जाने पर कोर्ट के उल्लंघन का मामला बताया गया था। पिछले दिनों कोर्ट ने जेल अधीक्षक को इस मामले में शोकॉज भी किया था। एडीजे 4 रवि रंजन की अदालत ने पूर्व विधायक को दुमका जेल से वापस धनबाद जेल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है। संजीव सिंह नीरज हत्याकांड मामले में पिछले 3 सालों से जेल में बंद है। वहीं धनबाद कोर्ट के आदेश आने के बाद संजीव सिंह के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। देखिए, इस मामले पे आज माननीय न्यायालय एडीजे 4 धनबाद श्री रवि रंजन के न्यायालय में सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय में पूरी सुनवाई के दौरान सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल धनबाद सशरीर उपस्थित हैं। उनका एक्सप्लेनेशन को माननीय न्यायालय ने सिरे से खारिज किया और माननीय न्यायालय ने पूरी नाराजगी जाहिर की है। जहाँ तक बात रही फॉर्मर MLA संजीव सिंह को हस्तांतरित करने की, जिस प्रशासनिक आदेश के तहत उन्हें धनबाद डिविजनल जेल से सेंट्रल जेल दुमका ट्रांसफ़र किया गया था, वो प्रशासनिक आदेश 4 दिनों तक ठहर नहीं पाया और आज 4 दिनों के अंदर ही वो प्रशासनिक आदेश एक जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा खारिज कर दिया गया और माननीय न्यायालय ने इसे आर्बिट्री, अनफेयर और सेटल पोजीशन ऑफ लॉ के विपरीत पाते हुए जेल सुपरिटेंडेंट को ये निर्देश दिया है कि फॉर्मर MLA श्री संजीव सिंह, जो नीरज सिंह हंदा हत्याकांड में धनबाद जेल में बंद थे, उन्हें एट वंस दुमका सेंट्रल जेल से धनबाद डिविजनल जेल लाया जाए। सुपरिटेंडेंट को फटकार स्वाभाविक है, अगेंस्ट दी लॉ कीजिएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति आज का जो आदेश है माननीय न्यायालय का, एक बार पुनः ये संदेश देता है कि आप कितने भी बलवान हो, कितने प्रभावशाली हो, कितने बड़े ऊंचे पद पे हो, न्यायालय से ऊपर नहीं हो सकते हैं। इस देश में कानून का राज है, कानून से ही चलेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। एट वंस लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कल उनकी घर वापसी होगी। कर्जा में डुबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर कर्जा।